Today we will learn about letters, words of letters. अरे इस तरह का V बनाओ ना W, okay? Okay. So these are our words. Okay, first of all, we will take first letter V. So, read it. What is this? V. 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 What is this? Read it. V. V. Violin. V-A-N. Van. V-A-N. Van. Van. Read with me. V-A-N. Van. Van. Okay, next. Very good. Next is I O V E V I. Well, not L, it's L. L. Read it L, not L. It's L. Pronounce L. V-I-O-L-I-N, violin. Violin होता है, violin instrument होता है. इसको बजाया जाता है. Music वगैरह में इसका use होता है. ठीक है, violin is an instrument. Next is V. वल्चर बर्ड, एक बर्ड होती है गिद्ध, इसको हिंदी में गिद्ध बोलते हैं, इंग्लिश में वल्चर बोलते हैं. ठीक है, ओके. वी यू आई टी यू आर ई, वल्चर. रीड विथ मी, वल्चर. वेरी गुड. वल्चर खत्म हो जाएगी तब मैं आपके साथ खेलूंगी. दो दो के नाम सुनिए. रीड विथ मी. कौन निकल आए जिसके बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लिए, अपना साउंड म्यूट कर लिए. E-A-N-S-L-L-Y. Next is V-A-N-I-L-L.
वाई ए वेनिला, वेनिला एक फ्लेवर होता है, वेनिला फ्लेवर होता है जो कि आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, उसमें फूड फ्लेवर होता है, फूड में इसको फ्लेवर के यूज में, फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है, टेस्ट के लिए। ओके नेक्स्ट इज दी, कहती है मुझे सब वी आई एल एल ए जी ई व्रेज, वी आई डबल एल ए जी ई व्रेज, व्रेज मीन्स गांव, ठीक है, व्रेज मीन्स गांव। ओके नाउ रीड विथ मी, वी फॉर वैन, वी फॉर वैन, वी फॉर वैन, वी फॉर वायलिन, वी फॉर वायलिन, वी फॉर वल्चर, वी फॉर वैली, वी फॉर वेस्ट, वी फॉर वेस्ट, वी फॉर वेलकम, वी फॉर वेलकम, वी फॉर वेनिला, वेलकम, वी फॉर वेनिला, वी फॉर ब्लिस, वी फॉर ब्लिस। ओके नाउ द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट लेटर इज डब्ल्यू, what w it's okay do with your book, okay this is only read here, read here, read it, this is next letter is w A C C H watch, watch means घड़ी, जो हम लोग अपनी wrist में पहनते हैं, ठीक है, wrist में पहनते हैं, कलाई में पहनते हैं, ओके आपके मम्मी पहनती हैं, पापा पहनते हैं, आप लोग भी पहनते होंगे, ठीक है, watch, ओके next is W double O L wool, wool, wool मीन्स ऊन, अभी हम लोग सर्दियों में कपड़े पहनते हैं ना, ऊलन कपड़े पहनते हैं, विंटर, विंटर सीजन होता है इसमें हम ऊलन कपड़े पहनते हैं, वो किससे बनते हैं, ऊन से बनते हैं, ठीक है, ओके नेक्स्ट इज व्हेल, डब्ल्यू एच ए एल ई व्हेल, व्हेल ओशन की वाटर एक्वेटिक, बहुत बड़ी सबसे बड़ी एक्वेटिक एनिमल होती है व्हेल, मछली, ठीक है, सबसे बड़ी मछली होती है व्हेल, ब्लू व्हेल, ओके ओके नेक्स्ट इज डब्ल्यू डबल ई के वीक, डब्ल्यू डबल ई के वीक, जो हम लोग वीक संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जो सेवन डेज होते हैं वन वीक में, सेवन डेज होते हैं संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ओके नेक्स्ट डब्ल्यू ए डबल एल, डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, वॉल मीन्स दीवार, जो हमारे घर की दीवार होती है, ठीक है, जो हमारी ये जैसे आपके इसके ब्लैक बोर्ड के पीछे वॉल है, ठीक है, नेक्स्ट इज डब्ल्यू एच आई एच टी एल ई व्हिसल, रीड इट, डब्ल्यू एच आई एच टी एल ई व्हिसल, व्हिसल बोलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इज डब्ल्यू आई एन टी ई आर विंटर, डब्ल्यू आई एन टी ई आर विंटर, वेरी गुड, विंटर, जो ये विंटर सीजन चल रहा है, सर्दी का मौसम, ठीक है, विंटर सीजन, ओके
ठीक है आई बाय। क्या हुआ? वेलकम। नेक्स्ट इज WALKMAN वॉकमैन। ओके वॉकमैन। WALKMAN वॉकमैन। वेरी गुड वॉकमैन। वेरी गुड। नाउ रीड विथ मी। W फॉर वॉच। W फॉर वॉच। W for whale. W for week. W for ball. W for whistle. W for whistle. विजिल मीन सीटी बजाना, ठीक है? जैसे ट्रेन वगैरह सीटी विजिल मारती है, ठीक है? ठीक है विजिल। ओके विंटर। डब्ल्यू फॉर विंटर। जो आपका विंटर सीजन चल रहा है, फिर विंटर सर्दी का मौसम चल रहा है। ओके नेक्स्ट है डब्ल्यू फॉर वॉकमैन। वॉकमैन। ओके okay. So today we will stop here. Okay. So you all have to do in your English notebook. Okay. You will write in English notebook. Okay. And learn small spelling. ठीक है? याद करेंगे छोटी छोटी स्पेलिंग वी लेटर बी की और लेटर डब्ल्यू की। ओके और लिखेंगे आप पूरा आप अपनी बुक की हेल्प से। बुक में आपके सब कुछ है। बुक की हेल्प से आप अपनी इंग्लिश नोटबुक में लिखेंगे। ओके ये सारी चीजें और स्मॉल स्मॉल लेटर लेटर बी और डब्ल्यू के स्मॉल स्मॉल स्पेलिंग जो है वो आप लर्न करेंगे। ओके छोटी छोटी स्पेलिंग लर्न करिएगा, ठीक है? Do more practice at your home and do more work at your home. Okay? और ज्यादा V और letter से और W letter से और भी ज्यादा जो word आते हैं उनको भी आप याद करिएगा। इनके अलावा भी बहुत सारे word होते हैं, ठीक है? Okay? ठीक है। Okay now. Now bye. Bye. Bye बेटा। Bye. Take care. Bye. Bye, mom.